हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट वर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पांच इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिन्हें आप कल अपने वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसमें इंट्राडे ट्रेड ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग हर एक ट्रेड के पीछे का लॉजिक और एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों को प्रॉपर एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल के लिए मेरा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है मैरिको। मैरिको में ट्रेडर्स बहुत ही शानदार पेनेंट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कल इसमें हम लोगों को आइदर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल अगर इस पेनेंट का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे बाय करेंगे 509 पर। हमारा टारगेट रहेगा 514 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 507.5 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। और अगर इस पेनेंट का ब्रेकआउट नीचे की साइड में आता है अपने इस सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे सेल करेंगे 504.7 पर। हमारा टारगेट रहेगा 501 पर और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 506.2 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2.5। कल के लिए हमारा दूसरा इंट्राडे स्टॉक है मैकडोवेल। इसमें ट्रेडर्स बहुत ही शानदार ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल इसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो कल अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट अपसाइड में आता है अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे बाय करेंगे 835 पर। हमारा टारगेट रहेगा 842 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 832 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और अगर इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट नीचे की साइड में आता है इस सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे सेल करेंगे 824 पर। हमारा टारगेट रहेगा 818 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 826 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। कल के लिए मेरा तीसरा इंट्राडे स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में भी ट्रेडर्स बहुत ही शानदार पेनेंट बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल इसमें हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो कल अगर इस पेनेंट का ब्रेकआउट अपसाइड में आता है अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे बाय करेंगे 3965 पर। हमारा टारगेट रहेगा 3990 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 3957 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:4। और अगर इस पेनेंट का ब्रेकआउट नीचे की साइड में आता है अपने सपोर्ट को तोड़ते हुए, तो हम लोग इसे सेल करेंगे 3898 पर। हमारा टारगेट रहेगा 3875 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 3906 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:3। तो ट्रेडर्स, कल अपोलो हॉस्पिटल में हम लोगों को एक बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड देखने को मिल सकता है, तो इसे आप लोग जरूर अपने रडार पर रखिएगा। कल के लिए मेरा चौथा इंट्राडे स्टॉक है बजाज होल्डिंग्स। इसमें भी बहुत ही शानदार ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है जहां पर ये बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम लोग इसे बाय करेंगे 4782 पर। हमारा टारगेट रहेगा 4820 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 4772 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:4। और अगर ये अपने इस सपोर्ट को तोड़ देता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, तो उस केस में हम लोग इसे सेल करेंगे 4720 पर। हमारा टारगेट रहेगा 4680 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 4730 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:4। तो ट्रेडर्स, कल बजाज होल्डिंग में हम लोग को दोनों साइड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का मिल रहा है, तो कल इसे आप लोग जरूर अपने रडार पर रखिएगा और इसे मिस मत कीजिएगा। और कल के लिए मेरा आखिरी इंट्राडे स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस में भी साथियों बहुत ही शानदार पेनेंट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो कल अगर ये अपने इस पेनेंट का ब्रेकआउट दे देता है तो हम लोग इसे बाय करेंगे 2426 पर। हमारा टारगेट रहेगा 2440 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2419 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:2। और अगर नीचे के साइड में इसका ब्रेकआउट आता है कल, तो हम लोग इसे सेल करेंगे 2396 पर। हमारा टारगेट रहेगा 2372 का और हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 2402 पर, जिससे कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल कर आ जाएगा 1:4। ट्रेडर्स, मैं आप लोगों को हमेशा एक रियलिस्टिक टारगेट देने का कोशिश करता हूं, जैसे कि यहां पर मैंने सिर्फ आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही ट्रेड दिया है बाई साइड में। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि 2440 के आसपास में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पर बार बार रिलायंस जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। इसीलिए 2440 पर आप लोगों को टारगेट अपना फिक्स रखना है। और अगर ये 2440 को ब्रेक कर देता है पूरे वॉल्यूम के साथ में, तो आप लोग आगे के टारगेट के लिए जा सकते हैं, जो होगा 2451 के आसपास में। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग 2440 पर, अगर आप लोगों को आगे वेट भी करना है,
तो कम से कम अपना हाफ क्वांटिटी तो जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि एक यहाँ पर बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है जो बार बार यहाँ पर फेस कर रहा है रिलायंस। और ट्रेडर्स, ये सारे स्टॉक मैंने आज के इंट्राडे सेशन के लिए प्रोवाइड किया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था, और आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, किसी में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि इन सारे स्टॉक्स ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो हमारा सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक था इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट में ट्रेडर हम लोगों को कोई भी इंट्राडे ट्रेड करने को मौका नहीं मिला, क्योंकि आज निफ्टी बहुत ही ज्यादा गैप अप ओपन हो गया था, उसके कारण बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो गैप अप ओपन हो गए हमारे लेवल से। इंडिया मार्ट में ट्रेडर्स हमारी एनालिसिस बिल्कुल सही थी। यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इसके ब्रेकआउट आने पर हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वैसा ही मोमेंटम हम लोगों को देखने को भी मिला, लेकिन गैप अप ओपन हो गया था, हमारे लेवल से ऊपर ओपन हुआ था, तो इसमें हम लोगों को कोई भी इंट्राडे ट्रेड आज नहीं मिल पाया इंडिया मार्ट में। और हमारा दूसरा इंट्राडे ट्रेड था टोरेंट फार्म, इसमें ट्रेडर्स हम लोगों को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने को मिला। ये बहुत ज़्यादा गैप अप ये भी ओपन हुआ था 1536 पर, यानी कि बाई साइड में जो हमारा टारगेट था उससे भी ऊपर ये ओपन हो गया था। उसके बाद इसमें एक बहुत ही शानदार फॉल देखने को मिला, और फिर जाकर के हम लोगों को यहाँ पर यानी कि 1506 पर सेल करना था, यानी कि ये वाले कैंडल जब बनना उसके बाद हम लोगों को इसमें सेल करना था, और हमारा टारगेट था 1495 के अराउंड में। तो हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारे टारगेट को ये अचीव किया है। तो ट्रेडर्स, टोरेंट फार्म हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा आज के लिए, तो आई होप आप लोगों ने इसे मिस नहीं किया होगा। हमारा तीसरा इंट्राडे स्टॉक था HDFC लाइफ, ये भी बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया था, उसके बाद जहाँ पर हम लोगों को बाई करना था ये वहीं तक नीचे में रिटेस्ट लेने गया, और उसके बाद हम लोगों को इसमें एक शानदार मूव देखने को मिला जहाँ पर हमारा टारगेट था वहाँ तक का, यानी कि 545.5 तक का। तो अगर आप लोगों ने इसमें इंट्राडे ट्रेड लिया होगा तो ज़रूर ये भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल इंट्राडे स्टॉक रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनली मैंने इसमें इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि 5 मिनट के कैंडल में प्रॉपर ब्रेकआउट आने के बाद ही आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड लेना है। अगर ये इसके नीचे आ जाता और फिर से हम लोगों को टूटते हुए दिखता 541, तो मैं ज़रूर इसमें इंट्राडे ट्रेड लेता, लेकिन मैंने HDFC लाइफ में कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं लिया था आज। अगर आप लोगों ने लिया था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला स्टॉक था आज के लिए सीट। सीट में भी ट्रेडर्स हम लोगों को आज कोई भी इंट्राडे ट्रेड नहीं मिला, ना ही ये बाइंग साइड में गया, ना ही ये सेलिंग साइड में गया। हमारा अगला स्टॉक था गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, तो इसमें ट्रेडर्स हम लोगों को बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड करने को मिला। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट आया, उसके बाद ये 864 के आसपास का लो बनाया, उसके बाद फिर से ये रिटेस्ट लेने गया, और इसमें हम लोगों को स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है आज, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस था 872 का, और ये ऊपर जा कर के थोड़ा सा के लिए हमारा स्टॉप लॉस खा गया, 872.8 तक का ये हाई बनाया रिटेस्ट लेने के टाइम में, और उसके बाद ये फिर से 869.5 के आसपास में ही खुद को सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये बार बार 869.5 के आसपास में आ करके सपोर्ट ले रहा था, तो जब ये इसका फिर से ब्रेकआउट आया 869.5 का, तो मैंने इसमें इंट्राडे ट्रेड लिया था और बहुत ही शानदार इंट्राडे ट्रेड हम लोगों को देखने को मिला। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गोदरेज CP में आप लोगों ने इंट्राडे ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। गोदरेज CP में हम लोगों को फर्स्ट बार में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और ये एक ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर हम लोग दो चार इंट्राडे लेते हैं उसमें से एक या दो में स्टॉप लॉस हिट होगा ही, और इसीलिए हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर में फोकस करते हैं कि अगर हमारा एक या दो में इंट्राडे ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, तो अगर एक भी इंट्राडे ट्रेड में हम लोगों को टारगेट अचीव होता है तो हम लोगों का सारा जो स्टॉप लॉस था वो भी मैनेज होता है, और हम लोग और भी ज़्यादा प्रॉफिट बनाते हैं। और ये मैंने एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था भारती एयरटेल का भी उस दिन के वीडियो के लास्ट में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई थी। 655 पर हम लोगों को इस बाई करना था, और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस था 652.5 का, क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिला यहाँ 1115 के आसपास में, 655 के आसपास में, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार टारगेट हम लोग को मिला। हमारा टारगेट था 662 का, और ये हाई बनाया लगभग 670 के आसपास में। तो ट्रेडर्स, भारतीय एयरटेल में भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और मैंने अपने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बजाज फाइनेंस को हम लोग मंडे के लिए भी अपने रडार पर रखने वाले हैं, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कम से कम क्लोजिंग हो जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक स्पाइक आया था। 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम में हम लोग देख लें तो जो क्लोजिंग था वो हम लोग को मिला लगभग इस वाले कैंडल में, यानी 12 बजे के आसपास वाला जो कैंडल था वहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग मिला, और वो 6000 के ऊपर का क्लोजिंग था, तो ये परफेक्ट ट्रेड था। यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग मिल गया था 6004 के आसपास में,
और उसके बाद हम लोगों का टारगेट था 6050 का, जो बहुत ही ईजिली अचीव हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग कम से कम क्लोजिंग हो जाने दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्लोजिंग नहीं मिला, तो अगर अब ऐसे में जिन लोगों ने भी इसमें एंट्री लिया होगा उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताइएगा आप लोगों ने किस स्टॉक्स में इंट्रा ट्रेड लिया था और किस में आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ट्रेडर्स बात करें तो आज भी हम लोगों को 2-3 अच्छा इंट्रा ट्रेड करने को मिला है, और जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा बात करता हूं कि हम लोगों को प्रॉफिटेबल होने के सिर्फ एक शानदार इंट्रा ट्रेड लेना होता है प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ, प्रॉपर क्लोजिंग के साथ। बस आप लोगों को अगर एक इंट्राडे ट्रेड अच्छा मिल जाता है तो वो हम लोगों का पूरा दिन बना देता है। तो यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं कि आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद भी हम लोगों को 2-3 अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड देखने को मिला, टोरेंट फार्मा में, भारती एयरटेल में, उसके साथ हम लोग देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में भी हम लोगों को अच्छा खासा इंट्राडे ट्रेड करने को मिला। अगर आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के इंट्रा ट्रेड खोज करके लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ट्रेडर्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।